हाय गुरुजी, बोलो चेला जी बोलो। ऐसा ज्ञान ओ सिखा दे कोई गावनिया ही गावे। हाय गुरुजी, ऐसा ज्ञान ओ सिखा दे कोई गावनिया ही गावे। के गुरुजी ऐसा ज्ञान सिखा दे, असली गुरु का चेला हो तो वो तो गा दे, और कोई नुगरा हो बिना गुरु का उसकी तो समझ में भी नहीं बात आनी चाहिए। भाई एक एक करके पूछो, दोनों सुनिए। चलिए हाँ। भाई बे माता की माते बता दे, बे माता की माते बता दे, सास बता दे गोरा की, शिव शंकर का गुरु बता, फिर बात करूंगा औरा की। वा अष्टभुज किसकी पुत्री, जिन करी सहायता चोरा की, उस साधु का नाम बता, जिन करी सवारी मोरा की। उस साधु का नाम बता, जिन करी सवारी मोरा की। हाय गुरुजी पानी में आग लगा दे कोई कावड़िया ही गा दे। ये सवाल और ये जवाब किताबों में नहीं मिलेंगे। देखिए कितने अजीब सवाल है, क्या पूछा? के बह माता की मात बता दे। बह माता कौन? जब आपके घर में कोई बच्चा जन्म लेता है उसकी छठी की रात मनाते हो ना, उस रात बह माता आती है, उस बच्चे का पूरे जीवन चक्र की सारी बातें लिख के जाती है। उस बह माता की माँ कौन है? सास बता दे गौरा की। गौरा यानी के पार्वती की सासू। शिव जी के माता पिता का किसी ग्रंथ में कहीं भी जिक्र नहीं, फिर पार्वती की सासू कौन बनी? सुनना एक एक बोल। शिव शंकर का गुरु बता। पूरी प्रकृति का गुरु शिव, तो शिव का गुरु कौन? अष्टभुजी किसकी पुत्री, जिन्हें करी सहायता चोरा की। चोर डाकू भवानी को सुमरते हैं, वह किसकी बेटी है? उस साधु का नाम बता, जिन्हें करी सवारी मोरा की। मोर के ऊपर कौन सा साधु बैठा के बता दिया? मात गायत्री, बे माता की मात गायत्री, अनुसुईया सास गोरा की, अनुसुईया सास गोरा की, शिव शंकर का गुरु अंगीरा, इब बात करने ओरा की। शिव शंकर का गुरु अंगीरा, अष्टभुजी ब्रह्मा की पुत्री, जो करे सहायता चोरा की। बालकनाथ कार्तिके गणेश का भाई, कार्तिके एक ऐसा साधु जो करे सवारी मोरा की। कार्तिके ऐसा साधु करे सवारी मोरा की। हाय गुरुजी पानी में आग लगा दे। पानी में आग नहीं, और गुरु के कर दे, के कर दे। हाय गुरु तो आग में पाग लगा दे। हाँ भी बोल। हाँ जी, मैं भी आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। कर ले तू भी, तू कर दू। हाँ आइए।
के ब्याह में बना बिचोला, बाप के ब्याह में बना बिचोला। वो लड़का कितने आया, वो लड़का बैरोड था आया। बत्तू मेरा चेला, हाँ डीएसपी साहब, चेला पुत्र के समान होता है, और मेरे ब्याह में यह बिचोला था। लेकिन आइए ब्रह्म ज्ञान पर आते हैं। बाप के ब्याह में बना बिचोला, वो लड़का कितने आया। कर राक्षस का भेष देवता, कौन से युग जी मने आया। जब अंधन के भंडार भरे थे, छिक्या नहीं भूखा ठाया। परले कितनी बारिश होगी, पीवन ने ना जल पाया। परले कितनी बारिश होगी, पीवन ने ना जल पाया। सुनिए, बाप के ब्याह में भीष्म बिचोला, समझ गए होंगे ना। बाप के ब्याह में भीष्म बिचोला, जो देवलोक ते चल आया। कर राक्षस का भेष गणेश, सतयुग में जी मने आया। उड़े अनधन के भंडार भरे, छिक्या नहीं भूखा ठाया। परले कितनी बारिश होगी, जल्दी मरता फिरे तिसाया। परले कितनी बारिश होगी, जल्दी मरता फिरे तिसाया। हाय गुरुजी, बेल धर्म कीला दे। एक कोमल सी बेल जो चढ़ती चली जा, चढ़ती चली जा। लेकिन गुरु के कर सकता है के? है गुरु तो पेड़ धर्म में काला दे। इब खोल सभा के ब्याह में भीष्म पिता में है, बिचोला बनके सत्यवती को ब्याह के लाया था जी, और गणेश राक्षस का भेष बना के सतयुग में जीवने के लिए आया था। कोई संशय हो तो पूछ। एक संशय है महाराज। क्या? मैंने तो आपसे सवाल पूछे, उनका जवाब पाकर मैं बड़ा संतुष्ट हो गया। ठीक है, किंतु गुरु भाई ने जो सवाल पूछे थे कि बाप के ब्याह में बना वो अनसुईया सास गोरा की, शिव शंकर का गुरु कौन? अनसुईया सास गोरा की भे माता की माता गायत्री, हाँ जी, ब्रह्मा जी की पत्नी है। हाँ, और अनसुईया गोरा पार्वती की सासू। ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अनसुईया गोरा माता की सास कैसे होगी? शिव शंकर तो पूरी पृथ्वी के, पूरी प्रकृति के गुरु, उनके माँ बाप कोई कहीं लेख में जिक्र ही कौन है। नारद मुनि ने तीनों देवी, लक्ष्मी, सरस्वती और तीसरी पार्वती जी, तीना के अंगली लगा दी जाके के हे देवियो, तुम अपने आप को पतिव्रता कहती हो, तुमसे बड़ी पतिव्रता भी दुनिया में है और मृत्यु लोक में है। माता अनुसुईया, सती अनुसुईया की जबरदस्ती परीक्षा लेने के लिए तीनों देवों को, तीनों देवियों ने खंदा दिया। तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश सती अनुसुईया को कहते कि हे सती अनुसुईया, हमें भिक्षा दे। भेष बदल के पहुंचे, जब भिक्षा देने लगी तो तीनों देव कहते कि देवी हमें नग्न होके, नंगी होके भिक्षा दे। तो माता सती अनुसुईया ने अपने सत के बल से तीनों देवों को तीन तीन महीने के टाबर बढ़ा के पालने में गाल दिए, और नग्न होके अपनी छाती का दूध पिला दिया भिक्षा में। दूध पीने से तीनों देवियों की मां बन जाती है सती अनुसुईया, और भोले की मां बन गई तो पार्वती की सासू कौन बन गई? अनुसुईया। बोलिए सती अनुसुईया माता की जय। लड़के का नाम बता दे, उस लड़के का नाम बता दे, जो ना माता के पेट पड़ा। मात पिता ना संके साथी, बे माता ने नहीं घड़ा। उन जन्म होवते ही करी लड़ाई,
सन्मुख ना कोई हुआ खड़ा, जे जे कार हुई किस युग में देवलोक में जिक्र छिड़ा। जे जे कार हुई किस युग में देवलोक में जिक्र छिड़ा। अरे उस लड़के का नाम गणेश जो ना माता के पेट पड़ा। मतलब वो कैसे होया गुरुजी? आजा तू भी छोटंटी। हाँ। उस लड़के का नाम गणेश जो अपनी माँ की कूख से पैदा नहीं हुआ। फिर किस्मत लिख दिया। माता पार्वती ने शरीर के मेल और पीली मिट्टी को मिला के कदे देखा पंडित जी हवन करण में थे, पीली मिट्टी का डाला लेकर गणेश बना दे। हाँ, उसका बांध वो इसीलिए जी पीली मिट्टी और शरीर कुप्टन को उतार के एक पुतला बनाया, अपनी योग की शक्ति से पुतले में जान गाली, गणेश बन गया। उसको ऑर्डर दिया कि गणेश मैं स्नान करने जा रही हूं और तू यहां बाहर बैठकर पहरा देना, कोई मर्द अंदर ना जाए। माता चली गई स्नान करने। भगवान श्री कृष्ण भगवान शिव भोलेनाथ समाधि से उठ के आ गए। बच्चे ने रोक लिए भोलेनाथ, शिव की सेना से लड़ाई करी और आखिर में शिव जी से लड़ाई करी और शिव जी ने त्रिशूल से गणेश का सिर उतार के उसके बाद हाथी का धरा। उस लड़के का नाम गणेश, उस लड़के का नाम गणेश जो ना माता के पेट पड़ा। गोरा मान करी घड़ाई, बेमाता ने नहीं घड़ा। गोरा मान करी घड़ाई, बेमाता ने नहीं घड़ा। अरे जन्म होम तई करी लड़ाई, सन्मुख ना कोई हुआ खड़ा। शिव सेना शिव की सेना हरा दई न्यू, देवलोक में जिक्र छिड़ा। शिव की सेना हरा दई न्यू, देवलोक में जिक्र छिड़ा। हाय गुरु जी मन का भरा में मिटा दे। मन का भरम क्यों कर मिटेगा? हाय गुरु जब छे चार का भेद बता दे। बोल स्वभाव में गा दे, हाय गुरु जी ऐसा ज्ञान सिखा दे। कोई रावण आई गा दे। मन का भेद मन का भरम क्यों कर दूर होगा लोगो? जब कोई गुरु बना के छह चार का भेद समझ जाएगा। उरेना जी इब तू न्यू बता, यो छह चार की सौदा है? चार वेद छह शास्त्र। शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा चार वेदों के नाम बताइए। वह गुरु भाई बतावेगा जी, मेरे याद नहीं जी। हट नकली चेला हट, तू आ रुक जा रुक जा, ये भी परीक्षा लेनी जरूरी है इनकी। अच्छा लगता रहे तालियों का आशीर्वाद देना, क्यों पीछे तो खत्म हो गए थारे। कोई बात को नहीं, ताली बजाते रहना। हाँ भाई आजी, छह चार का मतलब बता। छह चार का मतलब है जी चार वेद छह शास्त्र। उपनिषद कितने हैं? उपनिषद 19 है। ये बता। हाँ जी। एक का मतलब क्या होता है? एक का मतलब ओम। ओम। हाँ जी। दो? दो जमीन और आसमान। तीन? तीन लोक। चार वेद। पांच तत्व। छह शास्त्र। सात दीप। आठ पशु। नौ खंड। दस इंद्री। ग्यारह रुद्र। बारह सूर्य। तेरह रतन। चौदह पवन। पंद्रह तिथि। सोलह सिंगार। सत्रह विषय। अठारह पुराण। उन्नीस उपनिषद। और बीस बीस बीसवे बीस भगवान का नाम जिनकी चार चार कलाएं हैं। शाबाश। अब ये बता, ये सारे हिंदू बैठे हिंदू जी, जो हिंदू एक बार हाथ खड़ा करना जी, जो हिंदू है सारे हो। अच्छा जो ब्राह्मण है वो हाथ खड़ा करना, जो ब्राह्मण है। ब्राह्मण भी गणे। अब तू ये बता ब्रह्म ज्ञान की बात, हमारे हिंदू धर्म में हाँ ये बाबा महावीर दास है जी, कृष्ण जी भी है, भोला भी है, बिल्कुल गांव में भूमिया भी हो हाँ, पितर भी हो, सारे हो हैं। ये लोग न्यू कहे कि देवता घने हैं, तो कुल मिला के कितने देवी देवता है? कुल मिला के 33 कोटि देवी देवता है।
अरे गणित का 36 करोड़ है। ना 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 करोड़ को ना मतलब 33 करोड़ है। नहीं 33 कोटि, कोटि का मतलब संस्कृत में होता है प्रकार, 33 तरह के दही देवता है। लेकिन कहते ना कोटि कोटि प्रणाम करोड़ों करोड़ों बार प्रणाम, तो 33 कोटि का मतलब हिंदू धर्म में 33 करोड़ भगवान। ना ना गलत, 33 कोटि, कोटि का मतलब यहाँ पे संस्कृत में प्रकार से है, कोटि का मतलब प्रकार, 33 प्रकार के दही देवता है। ये बात ध्यान से सुन ले जन, संस्कृत में कोटि का मतलब प्रकार होता है, 33 करोड़ भगवान नहीं है हिंदुओं, ये नोट कर लेना बात। और कई लोग कहते हैं जी मंदिर में शंकर भगवान भी है, शंकर भगवान, कई लोग शिवलिंग पूजा करते हैं। सजनों लिंग का मतलब भी प्रतीक होता है, शिव का प्रतीक। लेकिन कणे गणे पाखंड पता नहीं के गावे है, अगर आधा अधूरा ज्ञान है तो वो विनाश का प्रतीक हो जाता है। लोगों 33 करोड़ नहीं 33 कोटि भगवान है। और अब सुनिए ये 33 कोटि भगवान कौन कौन से है, उनके नाम बता। अष्ट वसु, 8 वसु, 11 रुद्र, 11 रुद्र जिसमें शंकर भगवान हनुमान जी सब आ गए, 12 आदित्य, 12 आदित्य और 2 अश्वनी कुमार, 2 अश्वनी कुमार मिला के 33 कोटि, 33 प्रकार के भगवान बने। इन्हीं 33 प्रकार के भगवानों में मारा बाबा भी आ गया और इन्हीं भगवानों में भोलेनाथ भी आकर खाटू वाला सबकी में आ गया। बात पेट में भर गई हो तो ताली बजा के कलाकार का मान सम्मान करो। चलिए भैया ते प्राण त्याग के, अपनी इच्छा ते प्राण त्याग के, लड़की का चला पाया उई जवान पड़ी जरूरत, पति मोते ना ब्याह करवाया। अरे उस लड़की का नाम बता जिसने एक पल में पुत्र जाया, पति की सेवा करने लाग गी पुत्र का सर तरे वाया, पति की सेवा करने लाग गी पुत्र का सर तरे वाया। एक बार दोहरा के बता, उस लड़की का नाम बता, अपनी इच्छा से प्राण त्याग कर लड़की का चोला पाया, वही जवान पड़ी जरूरत, पति मोहते ना ब्याह करवाया। उस लड़की का नाम बता जिसने एक पल में पुत्र जाया, पति की सेवा करन लागी पुत्र का सर तरवाया। ये कहानी बड़ी अजीब गरीब है। त्रेता युग की बात, राजस्थान के मांडोर की बात है। अश्वमेघ यज्ञ करा ऋषियों ने, सप्त ऋषियों ने 33 कोटि देवी देवता बुलवाए, एक दैत्यों का गुरु शंकराचार्य नहीं बुलवाया। क्यों? क्योंकि उसकी एक आग कहानी थी, जानते सुनना बिल्कुल। खीर का प्रसाद बनाया लेकिन देवताओं के गुरु, दैत्यों के गुरु शंकराचार्य ने उस यज्ञ को खंडित करने के लिए अपने आप का भेष एक बाज का बना लिया, एक जहरीला सांप पंजों में दाबिया और उस खीर के प्रसाद में डाल दिया। बताते हैं राजस्थान के मांडोर की बात, और एक छोटी सी मिंड की देखती है कि खीर जहरीली हो चुकी है। जब ऋषि प्रसाद लेने के लिए आए तो मिंड की गर्म उबलती खीर में छलांग लगा के आत्महत्या कर लेती है, प्राण त्याग देती है। अब वे सारे ऋषि कहते हैं कि मिंडकी ने दूषित कर दी, इस खीर को कहीं जमीन में दफन कर दो। एक गड्ढा खोदा और गड्ढे में खीर को डाला तो मिंडकी के शरीर के साथ साथ सांप का शरीर भी मिला। तो सारे के सारे विचार करते हैं, मैं अनुरोध करूंगा इन माताजी से, सुनिए बात बैठ के सजनों, सारे के सारे विचार करते हैं कि मिंडकी ने हमारे प्राण बचाए हैं, हमें इसके प्राण बचाने चाहिए। सप्त ऋषियों ने संजीवन मंत्र पढ़ करके उस मिंडकी को पुनर्संजीवन दान दिया, लेकिन मिंडकी का शरीर खराब हो चुका था गर्म खीर में। अब एक घड़े में मटके में रखी मिंडकी का शरीर, और बताते कि 9 महीने के बाद उस घड़े में थे, ए भाई साहब, उस घड़े में से एक लड़की का जन्म होता है। उस लड़की को सारे ऋषि अपनी बेटी करके पालते हैं, और उन ऋषियों के पास में उस समय का
बहुत बड़ा प्राकांड ब्राह्मण, दसों दिशाओं का ज्ञाता, लंका का राजा रावण शिक्षा लेने आया करता था। लड़की जवान हुई, रावण भी जवान था, दोनों के नैन मिले, प्यार हो गया, और उसके बाद वो लड़की मिंडकी से जो लड़की बनी वो गर्भवती हो जाती है। ऋषियों ने कहा कि किसका पाप है, लड़की ने बता दिया कि रावण का है। ऋषियों ने रावण को बुला के धमका के जबरदस्ती उस लड़की की शादी रावण के साथ करा दी कि इसको अपने लंका लेकर जा। अपने पुष्पक विमान में जब उस लड़की गर्भवती लड़की को रावण लेकर जा रहा था तो किष्किंधा पर्वत पड़ा जो कर्नाटक में पड़ता है। किष्किंधा पर्वत के ऊपर जब विमान गया तो रावण को लगा कि अब अगर तू इस गर्भवती लड़की को लेकर लंका में जाएगा तो लोग बात बनाएंगे। रावण के अंदर एक खूबी बताते थे, जब वो दहाड़ मार के हंसा करता औरतों के गर्भ गिर जाया करते थे। किष्किंधा पर्वत के ऊपर रावण दहाड़ मार के हंसता है और उस लड़की का गर्भपात हो जाता है, वहीं गर्भ किष्किंधा पर्वत पे गिर जाता है। और उस गर्भ से कौन पैदा हुआ, कौन ये लड़की थी, सुनिए आखिर में दादा ने क्या बताया। अपनी इच्छा ते प्राण त्याग के लड़की का चोला पाया, उई जवान पड़ी जरूरत पति मोते ना ब्याह करे वाया। अरे उस लड़की का नाम बता जिसने एक पल में पुत्र जाया, पति की सेवा करने लाग गी पुत्र का सिर तरे वाया। पति की सेवा करने लाग गी पुत्र का सिर तरे वाया। अरे एक मिंडकी ने प्राण त्याग दिए रे, एक मिंडकी ने प्राण त्याग दिए, एक मिंडकी ने प्राण त्याग दिए, उसका कारज सिद्ध हो क्या, उसका कारज सिद्ध हो गया। हुई जवान मंदोदरी रूप में जन्म लिया, फस मोह में रावण मदे हो गया। मंदोदरी रूप में जन्म लिया, फस मोह में रावण मदे हो गया। जो मिंडकी से हाँ जी लड़की बनी मांडोर के अंदर जी, उस लड़की का नाम रखा था मंदोदरी, जो रावण की पत्नी थी। अब सुन, वह जबरन ठाई दाढ़ लगाई, जबरन ठाई दाढ़ लगाई, एक पल में अंगद हो गया। मतलब जो गर्भ गिरा था वो अंगद जो बाली को पा गया, बाली की पत्नी तारा ने पाला था, वो मंदोदरी और रावण का ही पुत्र था जिसका पैर भी कोने हाल्या। वह जबरन ठाई दाढ़ लगाई, एक पल में अंगद हो गया। रण क्षेत्र में नाटी थी कटशीस पुत्र का वध हो गया। रण क्षेत्र में नाटी थी कटशीस पुत्र का वध हो गया। हाय श्री लक्ष्मी चंद ने समझा दे कोई गावनिया ही गा दे। हो जगदीश ने भेज